आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में नमामि गंगे ने 10 सुमेघ घाट पर जरूरतमंदों को बांटे कंबल, गंगा तलाटी में श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश। मौसम के करवट लेने के साथ ही गंगा घाटों पर भी ठिठुरन बढ़ गई है और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए नमामि गंगे के स्वयंसेवी सदस्यों ने संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में बुधवार को 10 सुमेघ घाट पर जरूरतमंद एवं असहाय लोगों में कंबल का वितरण किया। गर्म कंबल पाकर दिव्यांग और निसहाय दर्जनों लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। गंगा सेवकों ने कंबल वितरण के पूर्व गंगा की तलहटी में श्रम दान किया। अनेकों सामग्रियां गंगा तलहटी से बाहर निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। लोगों से गंगा किनारे गंदगी न करने की अपील की गई। सबका साथ हो गंगा साफ हो का संदेश देते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, जीव की सेवा करना ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। कहा कि गंगा की सफाई से ही गंगा की पूजा है। गंगा सफाई अभियान एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। प्रत्येक मनुष्य को अपने स्तर पर गंगा को साफ सुथरा रखने के प्रयास में अपना योगदान देना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजक सीमा चौधरी, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, प्रीति जायसवाल, एस के वर्मा, सरस्वती मिश्रा, पूजा मौर्य, सुषमा जायसवाल, कंचन मिश्रा, प्रेरणा, पंकज अग्रहरी आदि शामिल रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।